मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में। झारखंड की कला और संस्कृति का ये मेरा 10वां क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड के लोकगीत, झारखंड के वाद्य यंत्र और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की चित्रकला के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड के लोकगीत में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। झारखंड में अलग अलग जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। इन जनजातियों के कुछ गीत हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, इनमें चलन है गीत गाने का, तो इसके बारे में आज क्लास में चर्चा होगी। साथ में हम लोग कुछ ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे जो लोक गीत या लोक नृत्य के समय में बजाए जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। फिर हम लोग जानेंगे झारखंड के चित्रकला के बारे में। झारखंड में कुछ ऐसे चित्रकलाएं हैं जो देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं, जैसे कि जादू पट्टिया चित्रकला, सोहराई चित्रकला, कोहबर चित्रकला। अलग अलग अवसरों पे इस पेंटिंग को बनाया जाता है। ये पेंटिंग जो है अलग दृश्य और अलग कथाएं व्यक्त करती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे लोकगीत के बारे में जो झारखंड में गाए जाते हैं। सबसे हम लोग जानेंगे संथाल जनजाति के कुछ लोकगीत के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछा जा चुका है प्रतियोगिता परीक्षा में। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्ड को किस तरीके से आपको याद करना है, वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संथाल जनजाति में प्रचलित कुछ ऐसे लोकगीत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने दोड़। दोड़ गीत जो है वो विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है संथाल जनजातियों में। अलग अलग जनजातियों में विवाह के समय में गीत गाए जाने का चलन है, तो वैसे ही संथाल जनजाति में भी गीत विवाह के समय में गीत गाए जाने का चलन है। अलग अलग रस्मों में अलग अलग गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। दोड़ जो गीत है वो विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। फिर अगला जो गीत है वो है लंगड़े। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से लांगड़े क्या है, तो लांगड़े एक गीत का रूप है जो संथाल जनजाति में गाया जाता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो ऑप्शन में वाद्य यंत्र भी होगा, लोक नृत्य भी होगा, चित्रकला भी होगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं, जितने भी गीत हैं, सबको याद रखना जरूरी है। तो लांगड़े एक गीत है जो संथाल जनजाति में गाया जाता है। फिर है बाहा, सोहराई, डहार, पातवार, भिनसार, गोलवारी, डांटा, धुरु मजाक, रिंजा, झीका, दसाए, वीर सेरे। ये सभी भी गीत जो हैं अलग अलग अवसरों पे गाए जाते हैं संथाल जनजाति में। जैसे कि वीर सेरेम गीत जो है ये जंगल में जाने के समय में इस गीत को गाया जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वर्ड है जैसे कि रिंजा, झीका, धुरु मजाक, ये सब वर्ड्स को आप याद रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला जो है जनजाति वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में भी कुछ गीत हैं जो काफी प्रचलित हैं, जैसे कि जदुर गीत। जदुर गीत जो है ये बसंत ऋतु में सरहुल पर्व, जो इसको बाहा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो सरहुल पर्व के समय में गाया जाने वाला गीत है जदुर गीत। गेना, कर्मा जो पर्व है उस समय में गाया जाता है। जरगा, अड़ंदी और जापी। अड़ंदी जो गीत है वो विवाह के समय में मुंडा जनजातियों में गाया जाने वाला गीत है। और जापी जो गीत है वो फगुआ फागुन माह में जब मुंडा जनजाति जो है वो शिकार के लिए निकलते हैं, तो उस समय में इस गीत को गाया जाता है, जापी गीत को। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपने जाना संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति में गाए जाने वाले कुछ गीत के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हो जनजाति में गाए जाने वाला गीत, उसमें है वाह। वाह जो गीत है वो सरहुल यानी कि बाहा पर्व के समय में गाया जाने वाला गीत है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। नोम नामा, हैरो गीत के बारे में मैं बता दूं कि जब धान की बुआई होती है हो जनजातियों में, जब धान की बुआई होती है उस समय में इस गीत को गाया जाता है जिसका नाम है हैरो गीत। नोम नामा, नया अन्न खाने के समय में इस गीत को गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है उरांव। उरांव जनजाति में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन कौन से है, तो ये है सरहुल, जतरा, धुरिया, असाढ़ी, कर्मा, मठा और जदुरा। ये सभी गीत जो है वो उरांव जनजाति में काफी प्रचलित है, काफी गाए जाते हैं। अन्य लोक गीत और उनके गाए जाने का जो अवसर है वो यहाँ पर अवसर होगा। तो जैसे झूमर गीत, झूमर गीत जो है वो तीज के समय में, कर्मा पर्व के समय में, जितिया के समय में और सोहराई के समय में गाया जाने वाला गीत है। सोहराई पर्व जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है।
जितिया पर्व जो है वो संतान की प्राप्ति और संतान के लिए किया जाने वाला ये पर्व है। कर्मा पर्व भाई बहन का पर्व और प्रकृति की पूजा का समय और उस ये फसल से संबंधित ये पर्व है कर्मा। और तीज जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो ये सभी पर्व के समय में झूमर गीत जो है वो काफी गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डोमकच गीत। मैंने इसके पहले डोमकच के बारे में बताया था, एक लोक नाट्य है डोमकच, जिसमें महिलाएं जो है वो रात्रि के समय में बारात के निकलने के बाद महिलाओं के द्वारा इस नाटक को किया जाता है। तो इस समय में कुछ गीत भी गाए जाते हैं जो विवाह के समय के गीत हो गए ये, और स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं डोमकच गीत। फिर नेक्स्ट है अंगनई गीत। अंगनई गीत जो है वो स्त्रियों के द्वारा ही गाया जाने वाला गीत है। फिर नेक्स्ट है झंझाइन गीत। झंझाइन गीत जन्म के से संबंधित, जन्म के समय में ये गाया जाने वाला, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है इस गाने को, झंझाइन गीत को, जन्म के समय में इस गीत को गाया जाता है। फिर है डेड धारा गीत। ये वर्षा ऋतु में जो देव स्थान है, जहाँ भगवान का जो स्थान होता है, वहां पर इस गाना को गाया जाता है। कौन सा गाना याद रखिएगा, डेड धारा गीत, वर्षा ऋतु में गाया जाता है और देव स्थान में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड के वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है वो झारखंड में लोक नृत्य के समय में या लोक संगीत के समय में गाए जाते बजाए जाते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है, इसके तीन प्रकार हैं। एक तो पहला है सुषिर वाद्य। सुषिर वाद्य ऐसा होता है कि जैसे पतला पाइप होता है, उसमें छेद बना होता है और उस पाइप को बजाया जाता है, तो ये सुषिर वाद्य। इसी में बांसुरी भी आता है, जैसे बांसुरी हो गया, एक पतला पाइप हो गया, उसके माध्यम से ध्वनि जो है उसको निकाली जाती है। तो बांसुरी, सहनाई, सिंघा और मदन भेरी, ये सभी जो है वो सुषिर वाद्य में आते हैं। तीन भाग मैं पहले बता देती हूँ, फिर इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। सुषिर वाद्य जो पाइप के माध्यम से उसको बजाया जाता है, उसमें से ध्वनि निकाली जाती है। दूसरा है तंतु वाद्य। इसमें तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक तारा में तार का प्रयोग किया जाता है, तो एक तार का प्रयोग या दो तार का प्रयोग या तीन तार का प्रयोग, और तार का प्रयोग करके ध्वनि को निकाला जाता है। तो ये हो गया कौन सा वाद्य, तो ये हो गया तंतु वाद्य। तीसरा हो गया ताल वाद्य। इसमें ढोल करके, पीट करके या थाप दे करके अगर जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ताल वाद्य कहते हैं। ताल वाद्य का भी दो रूप है। एक तो रूप है जिसमें जिस उस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है लकड़ी और चमड़े का प्रयोग करके, जैसे ढोलक, और कुछ एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तांबे और कांसे, पीतल या फिर धातु का प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण है करताल, झांझ, झांझ जो बजाया जाता है जिसमें धातु का प्रयोग करके ध्वनि निकाला जाता है। तो ये हो गया कौन सा वाद्य, ताल वाद्य। अब झारखंड में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसके समय में, तो ये हम लोग जान ले पहले। देखिए सुषिर वाद्य, इसमें आ जाता है बांसुरी, सहनाई, सिंघा और मदन भेरी। तो बांसुरी जो है वो एक पाइप का बना होता है, बांस का बना होता है, और उस बांस में छिद्र बने होते हैं और उसके माध्यम से ध्वनि को निकाला जाता है फूंक करके। सहनाई जो है वो शादी ब्याह में, पूजा पाठ में सहनाई का प्रयोग किया जाता है। और छऊ नृत्य जो मैंने पढ़ाया है, पाइका नृत्य और जो नटुआ नृत्य है, इसमें भी सहनाई का प्रयोग किया जाता है। साथ में इसमें सिंघा का भी प्रयोग किया जाता है। सिंघा जो होता है वाद्य यंत्र, वो बैल और भैंस के सिंग से बनाया जाता है। इसमें भी एक छिद्र बनाया जाता है और उसके बाद उसमें फूकने से अलग तरह का आवाज निकलता है। तो इन सभी का प्रयोग अलग अलग नृत्यों में भी किया जाता है, झारखंड में काफी प्रचलित है ये। मदन भेरी भी एक मतलब एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, मदन भेरी क्या है, सिंघा क्या है, या फिर शहनाई, बांसुरी से तो नहीं आ सकता कि ये जनरल है, कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत कम सुनने मिलते हैं तो वहां से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए तंतु वाद्य या फिर इसको तंत्री वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया कि तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उदाहरण में लेने तो एक तारा, इसको गोपी यंत्र भी कहते हैं। एक तार का प्रयोग किया जाता है, अक्सर फकीर जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और ये इसमें जो किनारे पे एक गोल सा बना रहता है, या कद्दू जिसको लौकी कहते हैं, लौकी का बना होता है, या लकड़ी का बना हुआ रहता है, ऐसे रहता है और एक तारा इसमें लगा रहता है। तो ये इसका प्रयोग अक्सर फकीर करते हैं।
एक तारा हो गया, फिर भुआंग हो गया। भुआंग जो है वो संथाल जनजाति में काफी प्रचलित है। संथाल जनजाति इसका प्रयोग करते हैं संगीत के समय में, वाद्य यंत्र का इसका, जैसे कि दशहरा, संथाल जनजाति में जो दशहरा के समय में एक दसाई नाच होता है, इस नाच में भुआंग का प्रयोग होता है। तो जो भुआंग होता है उसमें जो तार लगे होते हैं, उस तार को खींचने से, खींच के जब छोड़ा जाता है तो धनुष से जो, जब तीर निकलती है तो उस समय जो साउंड निकलता है वैसे वैसा आवाज निकलता है इस भुआंग से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप इसको देख, अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से भुआंग क्या है, तो भुआंग एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है केंद्री, फिर टुईला, इन सभी का भी प्रयोग जो है वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। केंद्री के बारे में आप जान लें, ये संथाल जनजाति में काफी प्रचलित है, और फिर झारखंडी वायलिन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें तीन तार का प्रयोग किया जाता है। कछुए की खाल से या नारियल से, जैसे कि इसमें भी जो किनारे पे बना रहता है कछुए की खाल से, या तो वो बना रहेगा और नहीं तो वो उसका निर्माण नारियल से भी होता है। अगर कछुआ का खाल नहीं मिला तो नारियल से उसको बनाया जाता है, और उसमें तीन तार लगे रहते हैं, और संथाल जनजाति में काफी लोकप्रिय है, और इसको झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो किसको, तो ये हो गया केंद्री, केंद्री को। फिर अब जानेंगे आप कि टुईला, टुईला भी एक वाद्य यंत्र है, बजाना इसको बहुत टफ होता है लेकिन ये काफी लोकप्रिय है झारखंड में। ताल वाद्य के बारे में आप जाने, ये इसका मैंने बताया कि दो प्रकार होता है ताल वाद्य का, उसमें कौन कौन सा है, एक तो है अवनद बाद। अवनद बाद में क्या होता है कि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इस वाद्य यंत्र को बनाने में, और इसमें चमड़े का भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से अवनत वाद्य है, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, ढाक हो गया, नगाड़ा, धमसा, करहा, जुड़ी नगाड़ा, ढप, खंजरी और डमरू, ये सभी जो है वाद्य यंत्र हैं। कौन से, तो ताल वाद्य यंत्र हैं। तो इस पे थाप दे के इसको बजाया जाता है, चाहे वो लकड़ी से पीटा जाए, हाथ से दिया जाए। मांदर के बारे में हम लोग जान लें कि इस तरीके का होता है मांदर। अक्सर जो झारखंड में अलग अलग पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर कोई नृत्य का कोई प्रयोग, ये प्रोग्राम हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपने जाना ढोल ढाक नगाड़ा। ढोल ऐसा होता है, माफ कीजिएगा, ढोल ढोल हो गया, इसमें एक साथ कई छोटे बड़े बने रहते हैं, और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसको बजाने के लिए, उसमें से ध्वनि निकालने के लिए। धमसा हो गया, छऊ नृत्य में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। धमसा का बड़ा कढ़ाई के आकार का होता है, इसमें भी लकड़ी से पीटने से इसमें आवाज निकलता है। फिर हम जानेंगे धन वाद्य के बारे में, जिस, ये ऐसा वाद्य है जिसमें मतलब ये जैसे तांबा का या कांसे का प्रयोग किया जाता है ध्वनि निकालने के लिए। कौन कौन सा है, तो करताल, झांझ, थाला, काठी, झाल, घंटा और मंदीरा, इसमें धातु का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को निकालने के लिए इस वाद्य यंत्र में। तो ये सभी जो है वो झारखंड में काफी लोकप्रिय हैं। अलग अलग अवसरों पे, अलग अलग गीत के समय में, अलग अलग संगीत नृत्य के समय में इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके और भी सुरमय बनाया जाता है। फिर अब जानेंगे हम लोग झारखंड के चित्रकला और शैली के, चित्रकला और शैली के बारे में। चित्रकला में हम लोग जानेंगे जादूपटिया, सुहराई चित्रकला और कोहबर चित्रकला के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जादूपटिया चित्रकला। ये लुप्त होने की कगार पे है, इसको बचाना, इसको संरक्षण देना ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जादूपटिया शैली, इसके बारे में हम लोग जान लें, ये झारखंड की ये लोक शैली है जादूपटिया। ये कैसे बनाया जाता है पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। जादू जो है वो एक, जो इस पेंटिंग को बनाया बनाता है उसको जादू कहते हैं, और पटिया मतलब इस पेंटिंग को पट्टी पर बनाया जाता है, यानी कि एक 5 से 20 फीट इसका लंबाई हो सकता है इस पट्टी का, और इस पट्टी की जो चौड़ाई हो सकती है वो 1.5 से 2 फीट के बीच में हो सकती है। तो ऐसी पट्टी पर बनाया जाता है जिस चित्रकला को, उस चित्रकला को जादू पट्टिया चित्रकला कहते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, चलिए हम लोग उसको जान लें। संथाल जनजाति में काफी प्रचलित है जादू पट्टिया शैली। इसमें जो चित्रकार होते हैं उसको जादू कहते हैं। अभिव्यक्ति इसमें किस चीज की होती है, तो समाज का उद्भव किस तरीके से हुआ, समाज का विकास किस प्रकार से हुआ, क्या रहन सहन है समाज का, कौन कौन से धार्मिक विश्वास है हमारे समाज के, और नैतिकता को भी व्यक्त करने वाला ये चित्रकारी है।
इस शैली में जो कलाकार होते हैं वो वंश परंपरा की तरह इस कला को अपना लेते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो कला है वो चलती आ रही है। इस और ये जो चित्र मैंने बताया है, जो चित्र बनाते हैं जो चित्रकार होते हैं उनको जादू के नाम से जानते हैं। जादू कपड़े पर या कागज पर इस चित्र को बनाया जाता है और कपड़े को 5 से 20 फीट लंबा या 1.5 से 2 फीट चौड़ा तैयार किया जाता है, एक पट तैयार किया जाता है। पहले तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में अन्य रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रंग जो है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे, तो ज्यादा लंबे समय तक इसको बनाए रखने के लिए अब अलग अलग तरह के पेंट का भी प्रयोग किया जाने लगा है। कुछ इस तरीके की चित्रकारी होती है, ये पट इस तरीके का तैयार कर लिया जाता है और इस पट पे चित्र बनाए जाते हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट है सोहराई शैली। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, काफी प्राचीन काल से ही इसको हड़प्पा जो संस्कृति था उसके समकालीन इसको माना जाता है, चित्रकला को सोहराई शैली को। झारखंड में अलग अलग जो गुफाएं हैं उस पे इस तरीके का पेंटिंग मिलते हैं देखने को, लेकिन आज के समय में ये घरों में भी किए जाते हैं। और इसी का कुछ अलग बदला हुआ जो रूप है कोहबर शैली, जो आधुनिक सोहराई कला का ही रूप है, तो कोहबर शैली में भी इसको अपनाया गया है सोहराई कला को। देखिए स्थानीय चित्रकला है ये सोहराई, और सोहराई पर्व से जुड़ा हुआ कला है। सोहराई पर्व मैंने आपको बताया कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली के बाद से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक माह के समय में ये मनाया जाता है इस त्योहार को, सोहराई को। इस चित्रकला में जंगली जीव जंतु पक्षियों और पेड़ पौधे को उकेरा जाता है। मान्यता ये है कि हड़प्पा का ये समकालीन था ये चित्रकला। दिवाली के तुरंत बाद आदिवासी अपने घर की दीवारों पर इस तरीके के चित्र बनाते हैं। देखिए मैंने कोशिश किया है एक छोटा सा पेंटिंग बनाने का जो सोहराई चित्रकला संबंधित है, कुछ कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है पेंटिंग होता है सोहराई कला। अब हम लोग जानेंगे कोहबर शैली के बारे में। कोह का अर्थ होता है फारसी भाषा में फारसी में गुफा, और दुल्हा होता है वर, मतलब जो कोहबर वर का मतलब होता है दुल्हा, और कोह का मतलब होता है गुफा। फारसी और हिंदी का रूप है ये, और इसमें इसका मतलब होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। विवाह के मौसम में की जाने वाली ये चित्रकला है। जब विवाह होता है तो वर जो दुल्हा होता है उनके घर में ये चित्रकला बनाई जाती है, कोहबर चित्रकला। बिरहोर जनजाति जो है वो इस कला में निपुण होते हैं। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये चित्रकला है, महिलाएं अक्सर इस चित्रकला को बनाती हैं। कुछ कुछ ऐसा मिलता जुलता है, लेकिन इस जो ये जो चित्रकला होते हैं इसमें जो सामाजिक विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं या वैवाहिक संबंधों को दर्शाया जाता है, या जन्म से संबंधित जो रस्म होते हैं या उसके संस्कार होते हैं उसको भी दर्शाया जाता है। प्रकृति का भी चित्रण किया जाता है, बांस के पेड़ बनाए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि कोहबर में बांस का पेड़ अगर बनाया जाता है तो जिस बांस का पेड़ बनाने का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी बांस जो है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, तो जिस और काफी हरा भरा रहता है, तो उसी तरीके से जीवन भी चलता रहे आराम से और आसानी से और बहुत ही आसान मतलब अच्छे तरीके से। तो इस तरीके का पेंटिंग अलग अलग चीजों का इसमें चित्रण किया जाता है, आम जनजीवन से संबंधित होते हैं वो चित्र। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग कथा है जो कोहबर से संबंधित है। तो कोहबर शैली आपने जाना, सोहराई कला के बारे में जाना, फिर आपने जाना जादू पट्टिया, लोक गीत के बारे में भी जाना, और फिर वाद्य यंत्र जो है वो भी जाना। याद करने वाला यहाँ जो चीज है वो ये सब वर्ड है, आप याद रखिएगा, जैसे डहार पतवार, तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या ये लोकगीत है तो कि वाद्य यंत्र है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। आज क्रिसमस है, वैसे मुझे क्लास तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया था और क्लास को मैं गति देना चाहती हूँ। तो अगर आज आप वीडियो नहीं देख पाएंगे तो दूसरे दिन भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप आज का दिन जो है आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।